मथुरा की सांसद एवं सिने तारिका हेमा मालिनी अपनी 84 कोस की यात्रा के छठवें दिन उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद की टीम के साथ शुक्रवार की दोपहर कोसी कला पहुंची, जहां मंदिर के सेवायत मुकेश भारद्वाज ने माता की चुन्नी उड़ाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने राजराजेश्वरी माँ भगवती के दर्शन किए और मंदिर की तलहटी में गोमती कुंड को भी देखा, लेकिन भगवती मंदिर के आसपास बने गोमती कुंड की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया, जो 5 एकड़ से हटकर 3 एकड़ रह गया और बाकी अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। रत्नागढ़ सागर, जिसकी दीवार सालों से टूटी पड़ी है, जिसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संस्तुति पर 5,000 करोड़ रुपए ब्रज परिक्रमा में आने वाले गांवों, मंदिरों, कुंडों, धर्मशालाओं के विकास एवं कायापलट को दिए गए हैं। कोसी कला में मावई कुंड, पटपड़ कुंड, गोमती कुंड, रत्नागढ़ सागर स्थापित है, लेकिन कोई भी इनकी ओर ध्यान नहीं देता। पटपड़ कुंड लगभग खत्म होने के कगार पर है, जो आधे से ज्यादा अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन सांसद महोदय ने कोई जानकारी नहीं की क्या इस तरह से बदल पाएगी ब्रज की तस्वीर। सांसद महोदया के साथ ब्रज विकास परिषद के भी आला अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारी कोसी कला में हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी 84 कोस की परिक्रमा करते हुए भगवती मैया के दर्शन करने के लिए आए, गोमती कुंड पर भी आई और वहां पर उन्होंने दर्शन किए। लगातार छठा दिन है उनका 84 कोस की परिक्रमा करते हुए। कल वो अड़ी गई थी, उससे पहले वहाँ कल आशीषों भी गई थी। आशीषों पर जाकर उन्होंने वहाँ की समस्याएं या जो लोग 84 कोस की परिक्रमा करते हैं उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को समझते हुए उनके डेवलपमेंट के लिए बातें की। उनके साथ शैलजाकांत मिश्र जी भी थे। उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ की रुपये की सहायता से नितिन गडकरी जी से बात कर, क्योंकि वो हमारे पर्यटन मंत्री हैं, अब तो जितनी भी समस्याएँ 84 कोस की यात्रा में आती हैं उनको जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाएगा, इसी को लेकर आज वो हमारी कोसी कला में पहुँची, भगवती मैया के दर्शन किए और यहाँ से वो पैगाम के मंदिर गई है, जहाँ पर वो राधा रानी के दर्शन करते हुए आगे अपना 84 कोस की यात्रा को जारी रखें।